गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की क्लास में करेंगे इन सर्कल द करेक्ट वर्ड। जो इन सर्कल द करेक्ट वर्ड का हेडिंग है वो आपने फोर लाइंस वाली फर्स्ट लाइन में लिखना है और कोशिश करनी है कि आपने खुद लिखना है, अपने मम्मी से नहीं लिखवाना। ठीक है जी, राइट द डेट, आपने डेट भी खुद लिखनी है। ठीक है बेटे, आगे हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा काम है। इन सर्कल द करेक्ट वर्ड आपको पहले से ही पता है, हमने ए ई आई ओ वोवल साउंड में ये किया हुआ है, आज हम यू साउंड के कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन द पिक्चर्स, पहले हम पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। टब, सन, गन, कप, हट, मड। फर्स्ट पिक्चर है टब। अब हमने स्पेलिंग चेक करने हैं इनके, ये जो बर्ड्स लिखे हुए हैं, टब, मग, तो किसके ऊपर सर्कल लगेगा? टब के ऊपर सर्कल लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सन, हम, सन, तो किसके ऊपर सर्कल लगेगा? सन के ऊपर सर्कल लगेगा। ये मैं नहीं करूंगी, आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्या है? गन, गन, बर्ड, किसके ऊपर सर्कल लगेगा? अगर आप बर्ड के ऊपर सर्कल लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, किसके ऊपर सर्कल लगेगा? गन के ऊपर सर्कल लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर। कप, 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 अगर आप कप के ऊपर सर्कल लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, किसके ऊपर सर्कल लगेगा? कप के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? हट, हट, हम, किसके ऊपर सर्कल लगेगा? हट के ऊपर। कई बार क्या होता है, हम सेम सेम वर्ड, सेम सेम लेटर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, हम एच को देख के ही सर्कल लगा देते हैं। यहाँ पर तो चलो हट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। कई बार ये वर्ड अगर इधर लिखा हो तो हम एच को देख के सर्कल लगा देते, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने पूरा वर्ड रीड करना है। नेक्स्ट देखिए, मड, मड, मग, किसके ऊपर सर्कल लगेगा? मड के ऊपर। डू दिस वर्क ऑन योर इंग्लिश नोटबुक, यू शुड राइट नीट एंड क्लीन। थैंक यू।